और जो भाषावाद चर्चा में क्यों है भैया? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन डिसाइडेड टू ऐड द हिंदी एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट टू क्लास 10th इन द कॉन्टेक्ट नॉर्थन इंडिया. देयर वाज द एफ फाइव फेस द प्रोटेस्ट इन नॉर्थन इंडिया अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या कहता है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर में जो भारत के संदर्भ में कक्षा 10 के हिंदी में अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया है. अभी क्या था, वहाँ पे हिंदी जो अनिवार्य नहीं थे, कंपलसरी नहीं थे, जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे जो, उसमें जो हिंदी को कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए कर दिया, कंपलसरी पढ़ोगे. तो केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध जो उत्तर पूर्वोत्तर जो पूर्वोत्तर भारत में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस जो जो इन्होंने डिसीजन लिया जोड़ने का, इसके लिए उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं कि वे क्यों जोड़ रहे हो. तो हम दोनों पक्षों को देखते हुए चलेंगे, उसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एक बैलेंस बना के चलना है हमें, किसी तरफ नहीं जाना कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब ना तो क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, ये गवर्नमेंट है गांव में, हमें जो बिल्कुल एक बैलेंस बना के चलना है अपने यूपीएससी के जो स्टूडेंट की तरफ. कोई पॉलिटिक उससे नहीं देखना हमें, कोई एग्जाम कोई भी ये चीज़ें. तो उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जो कक्षा 10 की जो तक की हिंदी भाषा के लिए अतिरिक्त एवं जो वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित थी, तो ये हमारा भाई अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संसारिक घटना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लोकनीति और जो अधिकारों, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी राइट्स इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यूपीएससी मेंस के लिए कैसे किस तरह क्वेश्चन लिखा जाएगा आंसर. जो यूनिट 5 भारत की विविधता, भारत की डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, ये सरकारी नीति और विभिन्न प्रकार के विकास हस्तक्षेप और जो निर्माण के लिए कारण उत्पन्न विषय है, ये शिक्षा है हमारी यूनिट जो 13 हमारी शिक्षा, और 17 में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न होने वाली शासन विरोधी तत्वों की जो भूमिका, इस पे बात करेंगे. पूर्वोत्तर राज्य का तर्क क्या है? पूर्वोत्तर राज्य में जो सिविल समाज द्वारा दिए जा रहे विरोध के लिए किसी भाषा के लिए थोपने का तर्क दिया जा रहा है. द नॉर्थन स्टेट इज द आर्गुमेंट्स ऑफ बींग्स द मेट्स ऑफ द पोजिशन ऑफ द सिविल सोसाइटी इम्पोज द पर्टिकुलर द लैंग्वेज, कि जबरदस्ती थोप रहे हैं कि हमारे पे ये लैंग्वेज जो है ये हमारा बनता नहीं, इस तरह से बोल रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य. इन जो संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का है, देयर दीज ऑर्गेनाइजेशन आर्गूज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी द कीप इन द माइंड द रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड द लिंग्विस्टिक्स ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री. इन संगठनों का तर्क है कि केंद्र सरकार को देश की जो सांस्कृतिक भाषा वगत जो विविधता और दृष्टिगत को ध्यान में रखना चाहिए और उसको सम्मान करना चाहिए, जो हमारी कल्चर है कस्टम का उसको ध्यान में रखो कि हम वो अपने हिसाब से जो चले तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए. नेक्स्ट है भाई, अब जो इसके अलावा यह भी तर्क दिया है, जो यह भी तर्क दिया जा रहा है कि राज्यों की जो हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के लिए स्थानीय विद्यार्थियों को हिंदी भाषा विद्यार्थियों को पिछड़ जाएंगे और जो दूरगामी प्रभाव उनके कैरियर पर भी पड़ेगा, कि भाई हिंदी भाषा उन्हें आती नहीं, जो फर्स्ट टाइम ये ऐसी लग रहा है, तो उनसे जो वो पिछड़ जाएंगे, उसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा ना उनकी जो उस पर पड़ेगा, दूरगामी जो इफेक्ट होंगे कैरियर पे पड़ेगा, आगे नहीं पढ़ पाएंगे, वो बोल रहे हैं. केंद्र जो केंद्र सरकार का क्या तर्क है? अब तो ये तो हुआ, देखो राज्य का तर्क देखना, हमने राज्य वाला पक्ष देख लिया, अब हमें देखना केंद्र का सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या तर्क है. तो दोनों पक्षों को लेकर चलना है, बैलेंस जो हमें आंसर राइटिंग के लिए तैयार करना है भाई. तो केंद्र सरकार का तर्क है कि भारत सरकार की राजभाषा है, कि जो भारत सरकार की भाषा है, जो सारी जो भारत की जो राजभाषा है, ये सारे काम इसी में होते हैं, अतः इसमें जो देश की जो आधारभूत शिक्षा जो व्यवस्था जो सम्मिलित किया जाना चाहिए, इसे जो जरूरी है कि भाई आधारभूत जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर, उसमें जो इंक्लूड किया जाना चाहिए. हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा जाए, गैर हिंदी भाषा विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि जो भी जो जिनके पास हिंदी नहीं पढ़ते उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो जाएगा, वो पिछड़ सकते हैं. तो समेकित जो एकीकरण के लिए लक्ष्य को जुड़ा हुआ है कि सबको एक रूपता के लिए ये जरूरी है, सभी का लक्ष्य, तो जो सभी ये है कि भाई सभी के लिए, तो सभी एक रूपता के लिए बहुत अच्छी है कि इनको भी जोड़ लिया जाए तो ये सब एक रूपता हो जाएगी. हिंदी भाषा को जानने के पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए किसी हिस्से की प्रतिष्ठा जो शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के समर्थ हो सकेंगे, कि वो कहीं भी है, कोई प्रतिष्ठित कितनी भी फेमस है, कि जितने इंस्टीट्यूट से मान ले सपोज बाहर जाना है या कहीं और काम करना है, मान ले किसी में भी वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, सपोज करो दिल्ली में, बैंगलोर में, कहीं भी, तो वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो बोलने कुछ जो, क्योंकि कुछ लैंग्वेज होती है सिलेक्टेड लैंग्वेज होती है, तो उधर ही होंगी, ये जहाँ पे होंगे तो ये भाई उसके जो
वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं होंगे। तो ये जो इसका तर्क दिया गया है गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्वोत्तर में जो हिंदी भाषा को लेकर पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए शीर्ष भारत विशेषकर भारत के साथ साथ जो सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी, जिसमें जो भाषावाद लैग्निजियम भाषावाद क्या है, भाषावाद भाषा के आधार पर सामूहिकरण की जो भावना को भाषावाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष भाषा को बोलने वाले लोग संगठित के रूप में जो भाषा के आधार पर स्वयं को अलग दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ जो सपोज करो एक ही भाषा को बोलते हैं तो वो अपने आप को कि अपने भाई अपने आप को सुपीरियर इस तरह से अलग दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस तरह विशेष संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए हिंदी को राजभाषा जो संक्रमण काल के लिए अंग्रेजी भाषा को संवैधानिक रूप से अपनाया था। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए देश की जो प्रमुख भाषाओं को संविधान की जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा को संबंधित प्रावधान है जितने भी। राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित विषय पर जो परामर्श देने के लिए एक राजभाषा का नियुक्ति की अधिकार दिया गया है। संविधान के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो आवश्यक नीति निर्माण करना भी जो केंद्र का कर्तव्य माना गया है। साथ ही जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संरक्षण की व्यवस्था की गई है। उक्त प्रावधानों के आधार पर श्री बी जी खरे के अध्यक्षता में 1955 में आयोग की जो राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। वर्ष 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया गया। भाषाई नीति में प्रस्तुति को जो अनुरूप परिवर्तन किया गया है। सरकारी सेवाओं में परीक्षा हिंदी अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किए जाने के लिए हिंदी के क्रमिक विकास का निर्णय लिया गया। साथ ही जो त्रिभाषा सूत्र को भी अनुशंसा दी गई। ये भाई एक तो हिंदी इंग्लिश हो गई, एक उनके प्रादेशिक लैंग्वेज होगी जो प्रदेश की लैंग्वेज है। ये बात उपयुक्त प्रयासों और जो प्रावधानों के बाद भारत में अभी तक जो एक संपर्क भाषा विकास नहीं हुआ है कि एक भाषा जो कोई भी हो वो नहीं हुआ है, सब अलग अलग है। भाषा का जो भाषावाद का विकास, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, विभिन्न प्रकार के जो भाषा के लिए स्वतंत्र विकास हो, जो भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन की मांग के लिए समय समय पर जो आंदोलन करते रहे हैं कि भी हम यहाँ पे इधर लैंग्वेज बोलते हैं, सपोज करो ये कन्नड़ है ये तमिल है तो यहाँ पर अलग अलग बना दो, इस तरह का है। 1967 में राज्य भाषा को कानून बनाए जाने के लिए घटी हिंसक घटनाओं में राजभाषा को समिति के प्रतिवेदन के लिए हिंदी का विरोध करने वाले सदस्यों को विचार को ही जो मुखरित किया गया है। इन सदस्यों की आशंका थी कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने से हिंदी का जो साम्राज्यवाद की नींव डलेगी, अन्य जो भाषाओं के लिए अस्मिता और जो संकट जो में पड़ जाएंगे। इस प्रकार के विद्वानों को एक वर्ग दूसरा हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए विरोध में बांग्ला तेलुगु तमिल और अन्य समृद्ध भाषाओं को भी अलग समर्थन किया जा रहा है। मैथिली भोजपुरी हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए हिंदी के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य भाषाओं के लिए हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ जो द्वंद का वो उभरा जा रहा है कि वे हिंदी और जो अंग्रेजी को जो इनके साथ साथ को ये है तो वे मैथिली को करो, ये है संथाली करो, इस तरह की जो लैंग्वेज है उनको क्या। अच्छा भाषावाद अच्छा है या बुरा है ये भी देखते हैं भाई, इसके दोनों पहलू देखते हैं। तो किसी भाषा को संरक्षण प्रदान करने को उसके विकास के लिए भाषा के आधार पर संगठित होना अच्छा होता है। किसी को अच्छा करो भाई, उसके जो संरक्षण करो, उसके उसमें काम करो, उसे समझो, ये अच्छा होता है। किंतु जब भाषा के आधार पर नियमित समूह या भाषा के आधार पर दूसरी भाषा को बोलने वाले लोगों को जो भेदभाव किया जाता है तो भाषा नकारात्मक रूप ले जाता है। कि सपोज करो हम सपोज करो हिंदी बोलते हैं, दूसरे इंग्लिश बोलते हैं या फिर दूसरे कन्नड़ बोलते हैं, तो उसके आधार पर उसके साथ जो भेदभाव किया जाए तो वो देखो वो गलत है। भाषा की विविधता समाज को एक अनूठा लक्षण है, किंतु भाषा आधार पर किसी संकीर्ण भावना दबाव गुटों उद्गव समाज में मांग तथा राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय एकता को संकट के लिए उत्पन्न कर देते हैं। ये जो है क्या क्या करते हैं भाई, इसकी दबाव के किसी जो राष्ट्रीय एकता की सपोज करो कुछ बंदे इधर इकट्ठे हो गए एक भाषा के लिए दूसरे के, ठीक है, तो आपस में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, लड़ाई झगड़े की उत्पन्न कर देते हैं। तो भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों में द्वारा जो स्थानिक संकीर्ण मनोवृत्ति को बढ़ाया गया है, राजनीति में बढ़ाया गया कि भाई हम तुम्हें इस तरह का स्टेट का दर्जा दिला देंगे, हम ये कर देंगे, आपको ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे, इसमें डाल देंगे, तो ये इस तरह से जो हमारी राजनीति में चलता है। जैसे कि तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्रगण कड़गम ने
1965 में एक विशालतम भाषा आंदोलन का प्रायोजित किया गया था। 70 के दशक में जो धर्मुख भाषा आंदोलन जो पृष्ठभूमि से लड़कर जो राजनीतिक सफलता प्राप्त की इन्होंने, असम में जो असम गण परिषद के लिए गैर असमियों के लिए विरुद्ध जो आंदोलन इसी क्रम में परिवर्तन का परिचालक है। भाषागत राजनीतिक कारण जो भूमिपुत्र की जो धारणा प्रचलन हुआ, संसाधनों के रोजगार के अवसर के प्रादेशिक भाषाओं के लिए भाषा के पक्ष में जो आवंटन और जो भाषा के प्रति जो असहिष्णुता की जो प्रवृत्ति को भाषागत समुदायों ने अलंकृत उत्पन्न कर दिया। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल ने मलयालम भाषा केरलवासियों एवं कर्नाटक वासियों का जो विरोध किया और जो कि वर्तमान में पूरे उत्तर भारत में जो बदल चुका है। स्थानीय भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहे हैं। समाधान क्या है भाई इसके लिए? भाषावाद की समस्या निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जिसे जो पहचान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा की समस्या को रोकने के लिए भाषा की राजभाषा को संपर्क में किया जाना और जो समस्या को किए जाने के पर जो गैर हिंदी भाषा प्रेरित किया जाना चाहिए। इनसे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सुनियोजित किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान आदान प्रदान के लिए देश के जो विविध प्रादेशिक भाषाओं में सतत संपर्क की जो स्थापना प्रयत्न किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। भाषागत समस्याओं को राजनीतिक रोकने के लिए राजनीतिक दलों पर जो कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए। भाषा के प्रश्न राजनीतिक स्वार्थों को दूर रखना चाहिए। इससे इस प्रकार के जो विवेकपूर्ण उदारवादी और जो दृष्टिकोण अपनाकर जो भाषावाद की समस्या को दूर किया जा सकता है, किंतु यह प्रयास सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर शुरू होना चाहिए, न कि जो मूलतः संस्थागत या कानूनी रूप।